नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, 20 क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं TGT, PGT और LT के लिए मैं नवा वीडियो लेके आ रहा हूँ बेटा, जो मॉर्फोलॉजी पर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पर। 20 अच्छे सवाल हैं बेटा जी, आप मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम और आप मिलकर के शुरू करते हैं सुपर 20 क्वेश्चन का पहला सवाल बेटा जी, स्मॉलेस्ट डाइकोटिलेडनस पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड इज। पहला है प्राइमुला, दूसरा है कार्डियालिस, तीसरा है आर्सीथोबियम, चौथा है मार्सिलिया। ये आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे बेटा जी, आप देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया है, स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट, तो आपने देख लिया होगा, ये आर्सीथोबियम के साथ जाएंगे बेटा जी। तो फर्स्ट का सी, आर्सीथोबियम स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट फ्लावर इज, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर किसका होता है? पहला है रेफ्लिसिया, दूसरा है हेलियंथस, तीसरा वेलवेस्टिया, चौथा निलंबो। तो 2 का आप किसके साथ जाएंगे? आसान सा सवाल है लेकिन बार बार आता है, तो सोच लीजिए 2 का क्या हो जाएगा। ए, रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया का फ्लावर सबसे बड़ा होता है बेटा जी, इसका वजन 9 to 16 kg होता है, इसका डायमीटर 1 meter होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन ए प्लांट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स द कंडीशन इज नोन एज हेट्रोफिली, एनिसोफिली, मिर्मिकोफिली, नैन ऑफ दीज। आसान सा सवाल है, आप देख लीजिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स कह रहा है, आपने आंसर देख लिया होगा हेट्रोफिली, हेट्रो मीन्स डिसिमिलर होता है, तो ए चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। सकिंग रूट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट, बेटले, ये पाइपर, ये बीटल है बेटा, बेटले हो गया, कस्क्यूटा हो गया, मैंजीफेरा हो गया, सोलनम हो गया। तो सकिंग रूट्स प्रेजेंट इन द प्लांट, पैरासिटिक प्लांट में पाया जाता है बेटा जी, इसमें पैरासाइट कौन है? कस्क्यूटा। तो 4 का बी हो जाएगा। आपको पता है कस्क्यूटा टोटल स्टेम पैरासाइट है बेटा, और कस्क्यूटा कॉनवॉल्वुलेसी का मेंबर है, और कॉनवॉल्वुलेसी डाइकॉट की फैमिली है। एक सवाल बार बार आता कि कस्क्यूटा में कितने कॉटिलेडॉन्स पाए जाते हैं, तो आप सोचते होंगे 2 कॉटिलेडॉन पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई कॉटिलेडॉन नहीं पाया जाता बेटा। तो दी एम्ब्रियो ऑफ कस्क्यूटा हैज नो कॉटिलेडॉन्स, इंपॉर्टेंट है बेटा जी, अच्छा सवाल है ये, याद रखिएगा, द एम्ब्रियो ऑफ कस्क्यूटा हैज नो कॉटिलेडॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5, राइजोफोरा हैज, आपको पता है राइजोफोरा हेलोफाइट्स है, हेलोफाइट्स का एग्जाम्पल है राइजोफोरा, में कैसी रूट पाई जाती है? प्राप रूट्स की, स्टिल्ट रूट्स की, निमेटोफोर्स की, मॉडिफाइड रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या हो जाएगा? 5 का सी, निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स को रेस्पायरेटरी रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज फाउंड इन, कह रहा व्हाट टाइप का फिलोटैक्सी किस में पाई जाती है? फिलोटैक्सी क्या बेटा? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, तो मस्टर्ड में कि चाइना रोज में कि गुआवा में कि अल्स्टोनिया में, बताइए। गुआवा में अपोजिट है, मस्टर्ड में स्पायरल अल्टरनेट है, चाइना रोज में भी स्पायरल अल्टरनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बच गया डी, अल्स्टोनिया वर्ल्ड। बोटेनिकल जेनेरिक नेम ऑफ ब्लैडर वर्ट इज, कह रहा है कि ब्लैडर वर्ट का बोटेनिकल जेनेरिक नेम, स्पेसीज नहीं पूछ रहा बेटा, कल जेनेरिक नेम क्या होगा? तो ड्रॉसेरा, नेपंथीज, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया। ड्रॉसेरा को आपको पता है संडियू कहते हैं, नेपंथीज को पीचर प्लांट कहते हैं, डायोनिया को
और यूट्रिकुलेरिया, बताइए। तो यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वार्ट कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वार्ट। आठवां है फिल्लोड इज प्रेजेंट इन, फिल्लोड किसमें पाया जाता है, एस्परागस में कि यूफार्बिया में कि ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में कि अपंसिया में। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी, फिल्लोड ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कह रहा इनमें कौन सा एक सही मैच्ड है, सुमेलित है, करेक्टली पूछ रहा बेटा। अनियन में बल्ब, अनियन बल्ब, जिंजर, शकर, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, ईस्ट जूइस्पोर। अब देखिए जिंजर में शकर तो नहीं पाया जाता, राइजोम पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में जूइस्पोर पाया जाता है, ईस्ट में कोनिडिया पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका अनियन बल्ब, पहला वाला सही है। अनियन और गार्लिक दोनों में बल्ब पाए जाते हैं बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है अनियन। क्वेश्चन नंबर 10, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर्स किस रीजन में पाया जाता है, रूट कैप की, मैचुरेशन की, एलोंगेशन की, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा बी, मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन में पाया जाता है बेटा। सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में ये 10 सवाल हो गए, आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पर सवाल करवा रहे हैं बेटा जी, और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेटा जी, और वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, कह रहा बोगेनविलिया में जो थॉर्न होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का कि लीव्स का कि स्टिप्यूल का कि एडवेंटिशियस रूट का। 2 से 3 सेकंड आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, ये स्टेम हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट्स विच प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक्स निमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग टू, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए दो चीज़ें यहाँ आ गई बेटा, निमेटोफोर्स भी कह रहा है, रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं, विविपेरी, जनरली प्लांट में ओविपेरी होता बेटा, विविपेरी नहीं होता, लेकिन यहाँ है, पहला हाइड्रोफाइट्स, दूसरा हेलोफाइट्स, तीसरा मीजोफाइट्स, चौथा साइमोफाइट्स, तो ये चार हैं, आंसर बताइए आप। 12 का बी हो जाएगा, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के जो एग्जांपल बेटा राइजोफोरा है, सोनरेसिया है, हेरिटियरा है, हेरिटियरा को सुंदरी भी कहते हैं, असुंदरी से सुंदरबन है, असुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेलोफाइटिक फॉरेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी, हेलोफाइट्स, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्पर्सल ऑफ पपावर सीड्स इज बाई, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी करेगा आपको, इसीलिए मैं जानबूझ के सवाल दे दिया। एनिमल है, विंड है, वाटर है, और सेंसर मैकेनिज्म है, याद रखिएगा, ये आपका बी और सी में, डी में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर ऐसा सवाल आता बेटा तो आप डी के साथ जाएंगे, सेंसर मैकेनिज्म, क्योंकि सेंसर मैकेनिज्म भी डिस्पर्सल होता है विंड के द्वारा ही, वन बाई वन निकलता है, तो इस ये पपावर का सेंसर मैकेनिज्म बार बार सवाल आता है, तो 13 का डी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, कह रहा जो ग्रीन कोकोनट होता है उसमें जो मिल्की वाटर होता है वो क्या होता है। आपको पता है बेटा जी कोकोनट में 2 प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जो गरी होती है वाइट कर्नल, उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और जो पानी होता है टेंडर कोकोनट, कच्चा नारियल जो होता है उसमें पानी होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। तो 4 ऑप्शन हैं, मैंने मदद कर दी आपकी, लिक्विड न्यूसेलस है, लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट है, लिक्विड एंडोस्पर्म है, लिक्विड चैलेजा है, तो मैंने तो आंसर बता ही दिया, 14 का सी, लिक्विड एंडोस्पर्म। फ्लैसी एरिल, वो थर्ड इंडिक्यूमेंट होता है, रिप्रेजेंट एडिबल पोर्शन इन,
फ्लैसी एरिल कहाँ खाते हैं बेटा, किस में खाते हैं फ्लैसी एरिल? वो ये भी दे दिया कि थर्ड इंटेगुमेंट है, गुआवा में कि ग्रेप में कि लीची में कि लेमन में। ये गुआवा, ग्रेप, लीची और लेमन, तो आप लीची की तरफ जाएंगे बेटा जी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय मार्केट में लीची अवेलेबल है, तो लीची में जो खाते हैं वो फ्लैसी एरिल है। अब फ्लैसी एरिल बनता है थर्ड इंटेगुमेंट से, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। लीची आप खा के खा भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एडिबल पार्ट ऑफ राइप मैंगो इज मॉर्फोलॉजिकली, मैंगो का क्या अर्थ है? एपिकार्प की, मीजोकार्प की, पेरिकार्प की, एंडोकार्प? आप बताइए। आप एपिकार्प फेंकते हैं छिलका, मीजोकार्प खाते हैं गुटली, एंडोकार्प फेंक देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 16 का बी, मीजोकार्प। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये सवाल बहुत ही शानदार है, आसान सवाल है लेकिन गलत होता है। क्या क्या रहा है? द व्हीट ग्रेन इज, गेहूं का दाना है, फ्रूट है कि सीड है कि एम्ब्रियो है कि ग्लूम है? अगर आप पहले से नहीं जानते बेटा तो सीड लगाएंगे आप, वो गलत होगा। तो आप क्या, व्हीट ग्रेन क्या है? गेहूं का एक दाना क्या है? फ्रूट है, ये वन सीडेड फ्रूट है। गेहूं में कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है जिसमें फ्रूट वाल और सीड कोट दोनों फ्यूज होते हैं। एक ग्रैमिनी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फ्रूट होता है कैरियोप्सिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, साइकोनस साइकोनियम टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? बहुत बढ़िया सवाल है। ये कंपोजिट फ्रूट है साइकोनस, किससे डेवलप करता है? कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, ये पूछ रहा आपसे। साइथियम है कि हाइपेंथोडियम है कि कैटकिन है कि स्पाइक है? तो बहुत ही अच्छा सवाल, ये हाइपेंथोडियम होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, ए फ्रूट इन विच सीड कोट एंड फ्रूट वाल इज फ्यूज, ये आ गया। देखिए अभी पहले मैं चर्चा कर रहा था, सीड कोट और फ्रूट वाल दोनों फ्यूज्ड है, नोन एज कैरियोप्सिस, प्रेजेंट इन कहाँ पाया जाएगा? व्हीट में, सनफ्लावर में, मैंगो में, टोमेटो में। तो मैंगो में ड्रूप होता है, टोमेटो में बेरी होता है, सनफ्लावर में आपका सिपसेला होता है। तो बच क्या गया? एक व्हीट। तो क्या हो जाएगा 19 का? ए व्हीट। क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी सवाल, सुपर 20 का आखिरी सवाल है बेटा जी। द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी, फोकस करेगा इन्फीरियर ओवरी को, एंड हैज सीड्स विथ सकुलेंट टेस्टा, सकुलेंट विथ फ्लैसी, इसका टेस्टा कैसा है? फ्लैसी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप बताइए। गुआवा की, कुकुम्बर की, आपका पॉम ग्रेनेट की, ऑरेंज? सकुलेंट टेस्टा, टेस्टा फ्लैसी है। टेस्टा क्या है? आउटर सीड कोट होती है। तो ये आपका पॉम ग्रेनेट, अनार चला जाएगा, पॉम ग्रेनेट को अनार कहते हैं बेटा हिंदी में। तो ये सुपर 20 क्वेश्चन हो गए बेटा जी। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। ओके, थैंक यू।